दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ही खास होने वाला है और हर लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं ये अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये है आपका बैंड सीलर पाउच पैकिंग मशीन। ये है मैनुअल मशीन जिसे आप लेकर के अपना घर में खुद का लघु उद्योग आप लगा सकते हैं और लाखों की कमाई डेली का कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन लेने की क्षमता नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते, तो ये जो मशीन है आपका, इस मशीन को लेकर के आप बैंड सीलर मशीन जो मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा, इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है, तो आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामने ये बैंड सीलर मशीन, तो मैंने आपको पहले अनबॉक्सिंग किया, उसके बाद मैंने आपके सामने ही बैंड सीलर को ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये बैंड सीलर है। आप मैन्युअली इसे पैक करके आप कोई भी आइटम आप निकाल सकते हैं। इसके साथ आपको देखिए ये सारा जो है ये आपका स्टैंड वाला बैंड सीलर है। इसकी हाइट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और जो जैसे इसमें 1 किलो से लेकर 3 किलो तक आप कोई भी आइटम आप पैकेट में पाउच में आराम से निकाल सकते हो। तो आइए मैं इसी गैप पे आपको थोड़ा मशीन भी चला करके मैं दिखा दूँ किस तरीके से वर्किंग करता है और ये किस तरीके से आप इससे काम कर सकते हैं और कैसे पाउच को सीलिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक कोड मिल जाता है, जो आप कोड इसे लगाने के बाद इसे पावर सप्लाई आपको दे देना है, इसे प्लग इन कर देंगे आप इस तरीके से। ये आपका करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपका पावर बटन है, पावर बटन को आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है जो आपको उठा देना है। देखते हैं ये पावर ऑन हो गया। अब यहाँ पे एक आप देख सकते हैं पावर है, हीटर है और ये फैन का बटन है। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले आपको पावर का इमरजेंसी बटन आपको ऑन कर देना है, इसके बाद पावर की बटन को प्रेस कर देना, ऑन हो गया। इसके बाद आपको हीटिंग के लिए, इसमें हीटर लगे हैं जो आप हीटर के लिए, आपको हीटर ऑन कर देना है। और ये फैन, अगर कूलिंग आपको करना है, मशीन को हीटिंग नहीं रखना है, तो आप कूलिंग वाले बटन को आप फैन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये स्पीड है, स्पीड को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है जिससे आपका मशीन रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोलर दिया हुआ है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री में सेट किया गया है। यहाँ पे ये टेम्परेचर कंट्रोलर आप देखिए, यहाँ पे ये आपका TC लगा हुआ है जो आपको ये टेम्परेचर देता है। अब देखिए ये देखिए स्मूथ चलने के लिए रेडी हो गया। अब ये आपका मशीन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, ये देखिए आपका स्पीड बढ़ रहा है, उसी तरीके से आपका ये बेल्ट जो है ये मूव करना, रन करना शुरू कर दिया है। देखिए कितनी आसानी से ये आपका ये बेल्ट मूव कर रहा है और इसको आप आगे और पीछे दोनों कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आप, इसके साथ आपको एक स्टैंड मिल जाता है जिस इसकी हाइट जो है आप ऊपर और नीचे दोनों कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैंड सीलर, जैसे ही मैं स्पीड इसकी बढ़ाऊँगा वो स्पीड आपका देखिए कितनी स्पीड रन है। तो स्पीड आपको अगर आपको करना है तो इसी से आप स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं, जिससे आपका बेल्ट का स्पीड जो है वो कम बेसी होता रहेगा और ये हीटिंग के कारण आपका ये
हीटर हीट होके आपका पाउच निकालने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी मैं आपको पाउच भी निकाल करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आप, देखिए इस तरीके का पाउच आपको ले लेना है और मैनुअली आपको ये मसाला वगैरह जो भी आपको फिल करना है इस तरीके से पाउच ले करके मैनुअली आप इसमें फिल कर दें जितने ग्राम निकालना है। और ये आपका जो सीलिंग एरिया है बस इसको देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बस आपको लगाना है इस तरीके से बेल्ट में। और ये बेल्ट देखिए कितनी आसानी से इसे लेके चला जाता है। ये देखिए, ये सीलिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ और भी। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये आपका सीलिंग करके दे दिया। ये देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर सीलिंग दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का आप मैनुअली पाउच इस मशीन से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इस बैंड सीलर को लेना चाहते हैं हमसे और डायरेक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके के माध्यम से, तो आप हमें डायरेक्ट पेमेंट करके भी ले सकते हैं या फिर आप हमारे यहाँ खुद आकर के भी ले सकते हैं। तो हमारा एड्रेस है नोएडा सेक्टर 10 सी ब्लॉक, और जो हमारा ब्रांच ऑफिस है वो रामगढ़ झारखंड में भी है। तो आप वहाँ से भी हमारा आकर के परचेस कर सकते हैं। तो इस बैंड सीलर की कीमत मैं बता दूँ, जो स्टार्टिंग प्राइस इसकी हो जाती है वो सर आपका 16,000 रुपये से लेकर के स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके का आप क्वालिटी लेना चाहते हैं, इसमें हैवी ड्यूटी लेना चाहते हैं या फिर नॉर्मल लेना चाहते हैं, उस तरीके से आपको पेमेंट पे करने होते हैं। इसमें 18% GST भी है, बट आपको अगर डाउन पेमेंट करते हैं कैश में करते हैं तो आपका थोड़ा सा GST रिबेट हो सकता है। तो आप हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके और ये हमसे बैंड सीलर परचेज करके आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना ही है, लेकिन शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ शेयर करिएगा तभी आगे आपका भारत बढ़ेगा और हम आप दोनों बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। धन्यवाद सर।